हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, जो आज कोविड के टाइम में पीना बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए हमने आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, नमक हमने स्वाद के लिए लिया है काला थोड़ा सा, लगभग 20 से 22 काली मिर्च, दो लौंग लिए, 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, गिलोय छोटे टुकड़ों में काट लिया है, दो तेज पत्ते लिए, तुलसा जी के पत्ते लिए और 1 चम्मच अजवाइन लिए। सबसे पहले हम गैस पे भगोनी रखते हैं और गैस को चालू करते हैं और इसमें 2 गिलास पानी डालते हैं। इसको पीने से खांसी जुखाम, गले की खराश, ये सब एकदम सही हो जाती है। लगभग 2 दिन पीने से ही पूरा शरीर एकदम ठीक हो जाता है। सबसे पहले इसमें हल्दी का पाउडर लिया था वो डाल देंगे, तुलसा जी को डाल देंगे और जो तेज पत्ते लिए हैं उसको क्रश करके डाल देंगे, काला नमक भी डाल देंगे और अजवाइन भी डाल देंगे। अब ये बचा है इसको हम कूट कर डालेंगे। हमने छोटा सौंठ का टुकड़ा भी लिया है, वो भी इसी में डालकर कूट लेंगे। ये मसालों को हमने कूट लिया है, अब ये हम ये जो काढ़ा बनाने के लिए पानी रखा है इसमें डाल देंगे। अब ये गिलोय की जो डंडी है इनको भी कूट लेंगे एक एक करके। काढ़ा पीना आज के टाइम में बहुत लाभकारी, कोविड का टाइम चल रहा है, इसको आप भी अपने घर में 2 से 3 दिन में रोज बनाकर पिए, बच्चों को भी पिलाएं 1-2 चम्मच और खाली पेट इसको बिल्कुल भी ना पिए। लगभग सारी सामग्री हमने कूट ली है, अभी गिलोय भी इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम एकदम कम कर देंगे और इसको हल्की आंच में पकने देंगे। तब तक इसका आधा पानी जल नहीं जाता, तब तक इसको हम पकने देते हैं। हमारा काढ़ा को पकते हुए अब लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, धीमी आंच पर हमने पकाया इसको और ये अभी ये तैयार हो चुका है। आप भी कभी बाहर जाए, बाजार जाए, कुछ कहीं भी भीड़ भड़क के में जाए तो इसको बनाकर आप जरूर पिए शाम को और बच्चों को भी थोड़ी मात्रा में दे। अभी ये लगभग आधा रह गया है, अब इसको छान लेंगे। ये 4-5 लोगों के लिए बनाया है। अगर आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें।